जिले में श्री लपकुश जयंती के उपलक्ष में कुशवाहा समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। अशोकनगर जिले में कुशवाहा समाज द्वारा शनिवार को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री लपकुश जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोग शामिल हुए। वहीं लपकुश मंदिर से भगवान लव और कुश की पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात शोभा यात्रा सुबह 9 बजे गाजे बाजे और झांकी के साथ श्री लपकुश मंदिर से प्रारंभ हुई और अशोकनगर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए श्री लपकुश मंदिर पर ही शोभा यात्रा का समापन हुआ। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद सभी समाज के लोगों ने प्रसादी एवं भोजन ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ अतिथि राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन भरत सिंह कुशवाहा, अमरदीप मौर्य, गोपाल कुशवाहा, महामंत्री बा राजेंद्र बलवीर सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष अशोकनगर एवं जिले भर से कुशवाहा समाज के लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक व बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारी आदत नहीं है, हम परिस्थितियों को बदलकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, ये हमारी आदत है। भाइयों साथियों, जिस सरकार ने हमें प्रतिनिधि के रूप में मंत्री दिया, आज 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और उस सरकार में पहले दो दो मंत्री हमारे हुआ करते थे। गृह मंत्रालय की भी बात चल रही थी, गृह मंत्री बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी मध्य प्रदेश की धरती पे किया, आपके संभाग से किया या नहीं किया। आज अगर मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं और सरकार के बीच में अगर आपकी बात तो रख रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बीच में अगर आपकी बात तो रखते हैं, आप कैसी भी कोई सी भी समस्या किसी भी दूर अंचल